ये नगर पंचायत के लोगों का रहने का रिहायशी स्टैंडर्ड है जिसे महसूस किया जाता है, ऐसे लोगों तक घर पहुंचाया जाता है जो ये प्रतिदिन काम करते थे या कहीं से। आप देख पा रहे हैं कि इन लोगों की हालात सबसे ज़्यादा दुर्लभ हो गई है, जो चूल्हे हैं वो बंद पड़ गए हैं। इसी में देख पा रहे हैं आप, मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा ऐसे लोगों को जो लोग रह रहे हैं। जरूरी है कि नगर पंचायत यदि हुआ है तो इनका स्टैंडर्ड नगर पंचायत लेवल तक लाया जाए, लेकिन रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख सकते हैं इनका घर और इनके सामान, इनके कपड़े। ये 22 वार्ड नंबर 22 है। नमस्कार, आप मेरे बीटी न्यूज, मैं हूँ संतोष कुमार, मैं हूँ बलिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 24 में। नहीं, 24 नहीं है, ये वार्ड नंबर 24 है। मैं ये व्यवसायिक संघ बलिया बाजार के द्वारा, ये वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 22 है बलिया बाजार के द्वारा। एक पल है कि जो चिन्हित कर भूखे लोग हैं उनके घर तक ये खाना पहुंचाते हैं, इनमें पहल ये किया गया है कि आपका अधिकार नहीं है ये, लेकिन हमारा अधिकार है कि हम ढूंढे उनको जो भूखा कौन आदमी है उसके घर तक पहुंचाएं। इनमें सरकारी नियमों का पालन होता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, दूरी बनी रहेगी। एक लाहौक से बात करना चाहूंगा, यहाँ जो खाना आप जिसको देते हैं थोड़ा मिलाएंगे। ठीक है, खाना वाना मिल रहा है लोगों को? आप लोग पास है खाने के लिए अपना खाना या कोई दे भी जाता है? दाना आदमी खाना दे जाता है, पका हुआ खाना दे जाता है। देखिए, एक बस्ती है जो नगर पंचायत कर तो दिया गया है, किंतु लोग यहाँ बहुत, जो हालात उनके नहीं है नगर पंचायत के लायक, बस वही मना रही है। लाचार लोग हैं, बेवजह सरकार की नीति का नगर पंचायत क्यों किया गया है। लोगों के रहने का स्टैंडर से आप देख सकते हैं कि ये लोग हैं जहाँ के जिनके चूल्हे बंद हो गए। अब मैं इनसे निवेदन करूंगा, थोड़ा इनका समझा लेते हैं, देख सकते हैं कि ये हालात है। आप खाना कहाँ से लेने मालूम छो? जैन खाना आबे छथिन कहाँ से? बलिया। बलिया से? इनको ये नहीं पता कि खाना कहाँ से आता है। नगर पंचायत बलिया व्यवसायिक संघ के द्वारा यहाँ एक किचन चलता है, उस कम्युनिटी किचन से इनके लिए खाना आता है। बहुत सुंदर पहल है ये, इनमें सरकारी नियमों का पालन भी होता है। जो खाना लेके आते हैं उनसे मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। इनका एक जो वॉलंटियर है जी, बीटी न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। पहल बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। ऐसे कामों से सरकार का नियम भी नहीं टूटेगा और इनका काम भी होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी भूखे निहायत जो भूखे हैं, जिनको अपना कोई व्यवस्था नहीं है, या जिनके घर में जिन विधवा हैं, या जिनका कोई बच्चा नहीं है कमाने वाला, या जिनका पति बाहर ही रह गए हैं लॉकडाउन की वजह से, उनके यहाँ ये जी हम लोग लेकर के उनके यहाँ कम से कम एक निवाला अगर पेट में लेकर के लोग अगर पानी पी लेते हैं तो कम से कम भूखा नहीं सोना पड़ रहा है लोगों को। हम लोग थोड़ा सा दुआ के पात्र भी बन जाते हैं इसके लिए, लेकिन हम लोग का जो कर्म है, अपना जो धर्म है, सेवा धर्म, हम उसका निर्वहन हम लोग करते जा रहे हैं। हम लोग बहुत सुंदर सोच है इनका, जो सरकार से जो योजना आएगा, सरकार किसी का घर नहीं आके देख रहा है उनके घर में क्या सुविधा है, क्या चल रहा है। जो यहाँ के लोग है वही चिन्हित करेंगे कि किनको जरूरत है और किनकी भूख सबसे ज्यादा है। तो ये काम वैसे जनप्रतिनिधि का है, लेकिन जनप्रतिनिधि लोग जो सवालों के घेरे में है, निंदनीय व्यवहार है। धन्यवाद। पहुंचा देते हैं खाना को, आप लोग घर तक पहुंचाते हैं। व्यवसायिक संघ बलिया बाजार के द्वारा ये पहल होता है जी। और आप लोग सिर्फ, आपके पास लिस्ट है उनका जो यहाँ के लोग हैं जी? और है ना? अच्छा, लिस्ट है जी। उनके पास आप घर तक लेके चले जाएंगे जी? ठीक है, चलिए। तो ये पहल है व्यवसायिक संघ बलिया के द्वारा, जो बहुत ही अच्छी पहल है कि आप घर तक ही खाने को पहुंचा देते हैं और जो भूखा है उन तक खाना पहुंच जाता है।